हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीएच क्लासेस पर। हमारा मोटो है वी टीच अचीव, यानी हम पढ़ाएं और आप सभी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करें। तो लेकर आ गई हूँ एक और नई वीडियो। इसमें हम समझने वाले हैं बायोलॉजी थ्योरी का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर। 314 इसका कोड है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन पेपर मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको आपके पेपर में आइडिया लग जाए कि किस तरीके का इसका क्वेश्चन पेपर आता है और कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, ये भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, ठीक है। तो ये जो पेपर है ये पूरा आपका इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा अपने एग्ज़ाम में। यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन मिलते हैं, इसमें से 8 पेजेस होते हैं। इसमें पूरे टोटल 30 क्वेश्चन आपको पूरे वेरीफाई कर लेने हैं जैसे ही आपको पेपर मिले। यहाँ पर आपका कोड नंबर होता है और ये आपका रोल नंबर का स्पेस है। तो आपके पास जैसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा यहाँ पर आप अपना रोल नंबर फिल कर देंगे। नेक्स्ट आपका सेट है, सेट ए बी सी ऐसे यहाँ पर लिखा होता है। नीचे आपकी डेट एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन आ जाती है और यहाँ पर दोनों जितने भी आपके दो टीचर्स होंगे उनके सिग्नेचर्स यहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट आपका नीचे जनरल इंस्ट्रक्शन है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए जाते हैं बच्चों को। आप देखिए क्या करिएगा, अपने पेपर में पहले ही पहुंचने की कोशिश करिएगा। जैसे अगर आपका 2:30 बजे का पेपर है तो आप कोशिश कीजिएगा 2:15 तक या फिर 2 बजे तक भी अपने जो एग्ज़ाम सेंटर है वहां पर पहुंचने की, क्योंकि अगर आप पहले पहुंच जाते हैं तो आपको जो है अपना पेपर देखने के लिए, अपना पेपर समझने के लिए टाइम मिल जाता है। और अगर आप अपना पेपर समझ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा आंसर शीट में आपको किस तरीके से आंसर करने हैं। तो यहाँ पर आपके जो हैं पहले पेज पर रोल नंबर ज़रूर लिखना है आपको अपना, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर को वेरीफाई ज़रूर करना है कि टोटल पेजेस पूरे हैं या नहीं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पूरे हैं या नहीं। जो आपका क्वेश्चन पेपर कोड दिया हुआ है उसको आपको आंसर बुक पे ज़रूर लिखना है और ये कोड आप लिखेंगे। उसके बाद ये जो क्वेश्चन पेपर है ये इंग्लिश और हिंदी दो मीडियम्स में दिया होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई और लैंग्वेज में इस पेपर को देना, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मलयालम, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज में अगर आप देना चाहते हैं पर्टिकुलरली, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, अपने आंसर बुक पर आपको है आपको ये जो है सुविधा दी जाती है कि आप इनमें से किसी भी एक लैंग्वेज में अपना पेपर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि अगर कोई भी एरर या मिस्टेक होगा तो वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होगा। सामान्य निर्देश सेम आपको हिंदी में दिए जाते हैं। उसके बाद आपका मेन पेपर स्टार्ट होता है। ये जो पूरा पेपर होगा ये आपका 3 घंटे का होने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 80 दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं और सभी के मार्क्स आपको क्वेश्चन के सामने दिए होंगे। ए बी सी डी ये जो हैं अल्टरनेटिव वाले जो हैं 4 अल्टरनेटिव यहाँ पे दिए जाते हैं। फर्स्ट से लेके 8 क्वेश्चन तक अल्टरनेटिव क्वेश्चन होंगे जिसमें कि आपका ए बी सी डी ऐसे करके चॉइस दिए होंगे, ठीक है। उनमें आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही ऑप्शन पे टिक करना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, उनको ए और बी में कंफ्यूजन होती है तो दोनों टिक लगा देते हैं, लेकिन अगर उनमें से अगर आपका ठीक भी है तो भी आपका गलत कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ करेक्ट आंसर को चूज़ करना होता है, दो दो आप ऐसे चूज़ नहीं कर सकते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपका मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये 1 नंबर का होता है। ये आपको मैंने बताया था कि ये आपका होने वाला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर अल्टरनेटिव चॉइस क्वेश्चन भी आप इसको बोलते हैं। इसमें आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पार्थेनोक्रेपी कार्पी इज प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विद पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, अ टाइप ऑफ असेक्सुअल प्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स बाय माइक्रो प्रोपेगेशन या डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओवरी। तो ये आपसे बोला है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि अनिषेक फलनी क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट है इसका आंसर। जो अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट होता है वो होती है आपकी पार्थेनोकार्पी, ठीक है। फर्स्ट में आपको 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, नेम द ग्रुप विच इंक्लूड्स स्पिनी स्किंड मरीन एनिमल्स विच हैज़ ट्यू फीट फॉर ए लोकोमोशन। लोकोमोशन के लिए जिनके पास, इसका हिंदी मीनिंग भी आप नीचे देख सकते हैं, उस समूह का हमें नाम लिखना है जिसमें समुद्री प्राणी कांटेदार त्वचा और संचलन नल पादों द्वारा प्राप्त होता है। तो 1 नंबर में ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी जो है आपका इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा ये आपका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है थर्ड, प्रिया इज अनेबल टू सी इन डिम लाइट, यानी प्रिया जो है वो डिम लाइट में, डिम लाइट मतलब धीमे प्रकाश में वो देख नहीं पाती हैं, लैक ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स इज शी सफरिंग फ्रॉम। हमें यहाँ पे बताना है कि उसमें कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है, कौन से पोषक तत्व की कमी है। तो आंसर इसका हो जाएगा विटामिन ए। जब जब हमारे अंदर विटामिन ए की कमी होती है तो हम जो है डिम लाइट में देख नहीं पाते हैं। 1 नंबर यहाँ से आपको कंफर्म मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th है, ये आपका भी अगेन 1 नंबर में है, अल्टरनेटिव क्वेश्चन है। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज
गटेशन टेक प्लेस, यानी कि पौधों के किस भाग में बिंदु स्राव होता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइडेटोड्स, हाइडेटोड्स, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक नंबर में, बीटी क्रॉप्स आपको बतानी है क्या होती हैं, बीटी फसलें क्या होती हैं, तो इसका आंसर है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होती हैं या पराजीनी फसलें ये होती हैं, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपको ये अगेन, मतलब आठवें एट क्वेश्चन तक आपको अल्टरनेटिव यही मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चूज एन ऑर्गेनिज्म विच ट्रांसमिट मलेरिया इन ह्यूमंस, यानी कि जो आप मानव है उसमें मलेरिया कौन सा जीव फैलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फीमेल एनोफिल्स, मादा एनोफिलीज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर, हमें यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, एक नंबर में है ये आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टर्नर्स सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट, जिंजर एंड टर्मरिक आर एग्जांपल्स ऑफ, एक नंबर में है, यहाँ पर हमें बताना है जिंजर यानी कि जो आपका अदरक और हल्दी है वो किसके उदाहरण है, तो आंसर है इसका रिजोम, प्रकंद के उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपकी जो है क्वेश्चन कि मार्क्स यहाँ पर बढ़ जाता है, दो नंबर में अगेन ये आपसे पूछा जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन, यहाँ पे ए और बी दो पार्ट मिलेंगे, दोनों ही आपको करने हैं। यहाँ पे आपको बताना है नेम अ नेचुरली अकरिंग ग्रोथ इनहिबिटर फाउंड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स, यानी बहुत सारे पौधों में प्राकृतिक वृद्धि अवरोधी के रूप में पाए जाने वाले हॉर्मोन का यहाँ पर हमें नाम लिखना है, तो आप इसका आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म वर्नलाइजेशन या फिर वसंतीकरण पद को हमें परिभाषा देनी है, तो इसका आंसर जाएगा द कूलिंग ऑफ सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट फ्लावरिंग व्हेन इट्स प्लांटेड इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन, या फिर इसी को हम वसंतीकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ जाता है, हमें यहाँ पर पूछा गया है 10th क्वेश्चन, ड्रॉ नीड डायग्राम ऑफ अमीबा एंड लेबल द फॉलोइंग, यहाँ पर हमें एक डायग्राम बनाने के लिए बोला गया है, दो नंबर में एक क्वेश्चन है, अमीबा का डायग्राम बनाना है और इसमें हमें ये दिखानी है, ये सब हमें लेबल करने के लिए बोला गया है, फूड वैक्यूल उसकी दिखानी है, सूडोपोडियम दिखाना है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिखानी है, ठीक है। वही सेम हिंदी में बोला गया है, खाद्य रिक्तिका बनानी है, दिखानी है आपको, लेबल करनी है बहुत अच्छे से, कूटपाद और संकुचनशील रिक्तिका आपको यहाँ पर दिखानी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मेंशन एनी फोर एक्टिविटीज विच हेल्प इन मेंटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत पोषणीय जो परिवर्धन है उसको बनाए रखने के लिए हमें चार गतिविधियों का उल्लेख करना है, दो नंबर में है। सतत पोषणीय यानी या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मतलब ये होता है कि इस तरीके से हमारा डेवलपमेंट हो कि आगे आने वाली जो जनरेशन है उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े, उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं, और इसके हमें चार तरीके बताने हैं कि हम इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी टू डिसऑर्डर ऑफ द मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम विच आर हेरिडेटरी, यानी कि पेशीय तथा कंकाली तंत्र के किन्हीं दो ऐसे विकारों का हमें नाम लिखना है जो अनुवांशिक का मतलब होता है जो हमें अपने पूर्वजों से मिलते हैं, तो दो नंबर में आपका क्वेश्चन, आप नाम लिख देंगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द फोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मसल फाइबर, यानी कि पेशी रेशो के चार लक्षणों का हमें उल्लेख करना है, दो नंबर में है ये आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट भी आपका दो नंबर में है, यहाँ पर हमें इकोटोन और इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिक अनुक्रमण को समझाना है, डिफाइन करना है। नीचे भी आपका दो नंबर में क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें एक लेबल्ड और नीड डायग्राम बनाना है, स्टोमेटल अपैरेटस ऑफ अ डाइकॉट लीफ, ठीक है। ये जो है डायग्राम्स आपको याद करके जाने हैं, अच्छे से आप जो है प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी आप अपने डायग्राम्स को बना सकते हैं, और प्लीज़ इनको कलरिंग वगैरह करने की कोशिश मत कीजिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सिंपल पेंसिल से डायग्राम ड्रॉ करने हैं और नीट होने चाहिए, लेबल्ड होने चाहिए। इसमें आपसे बोला गया है हिंदी वाले बच्चे, किसी बीजपत्री जो पत्ती है उसके रंध्र उपकरण का हमें स्वच्छ और नामांकित चित्र हमने बना के दिखाना है। अगला क्वेश्चन भी दो नंबर में है आपका, इसमें ए और बी दो पार्ट दिए हुए हैं, दोनों आपको करने हैं। इसमें हमें पूछा गया है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का एग्जांपल और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का एग्जांपल, दोनों के एग्जांपल बता देंगे, आपको एक नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर ड्रॉबैक्स भी पूछे गए हैं एंटीबायोटिक्स को यूज़ करने के, अगर एंटीबायोटिक्स हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होगा वो आपको बताना है, उसके क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन भी आपका दो नंबर में है, यहाँ पर आपको डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स के जो डबल फर्टिलाइजेशन है उसको आपको समझाना है। नीचे आपका क्वेश्चन
ये भी आपका दो नंबर में है, यानी कि 18, 19, 20 ये तीनों ही क्वेश्चन आपके दो नंबर में हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे क्या क्या पूछा गया है, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर आपको समझाना है, ठीक है। नीचे आपका ये विद एग्जांपल सूटेबल एग्जांपल के साथ आपको कॉन्ड्री काइट्स और ऑस्ट्रिच काइट्स आपको बताना है, चार अडेप्टेशन बताने हैं एनिमोफिलस फ्लावर्स के, ठीक है, दो नंबर में है। नीचे से अब आपके यहाँ से चार नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। 21वां क्वेश्चन है, ए बी दो पार्ट है इसमें, यहाँ पर आपको एक नीट डायग्राम बनाना है एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स का ह्यूमंस में जो है, लेबल द फॉलोइंग पार्ट, इसमें सिर्फ ये पार्ट हमें लेबल करने हैं, किडनी यूरेटर और यूरेथ्रा, ठीक है। एक्सक्रेटरी ऑर्गन दिखाने हैं, सिर्फ एक्सक्रेटरी ऑर्गन, नीचे का जो पार्ट होता है एक्सक्रेटरी का वही आपको ह्यूमंस का दिखाना है, और इसमें सिर्फ किडनी यूरेथ्रा और यूरेटर ये तीन चीज़ें आपको दिखानी है। नीचे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, नेम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनी, किडनी के जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो हमें यहाँ पे समझानी है। और नीचे हिंदी वाले में पूछा गया है, उत्सर्जन तंत्र का हमें निर्माण करना है, जिसको हम इंग्लिश में ही एक्सक्रेटरी ऑर्गन बोलते हैं, उसमें हमें वृक्क, मूत्रवाहिनी और मूत्र मार्ग ये हमें समझाना है, इसको हमें लेबल करना है। वृक्क के संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई का भी नाम हमने नाम लिखना है। नीचे भी आपका चार नंबर में क्वेश्चन है, ए और बी, यहाँ पर हमें चार रीज़न बताने हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के इंडिया में, यानी कि जो जनसंख्या विस्फोट है, जनसंख्या बढ़ रही है, वो क्यों बढ़ रही है। इसके अलावा स्टेट एंड डिफाइन द सर्जिकल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग इन ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल्स, यानी कि मानव नर और मादा में जो परिवार नियोजन है उसको हम कैसे कर सकते हैं, सात विधियाँ शल्य विधियाँ आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का एक बहुत अच्छा नीट डायग्राम आपको बनाना है चार नंबर में, ठीक है। ये आपका दो नंबर का ये क्वेश्चन है, दो नंबर का ये क्वेश्चन है, तो दो नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आप लेबल डायग्राम बना देते हैं तो। नीचे आपसे एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच का डिफरेंस पूछा गया है, वैसे ही हिंदी वाले बच्चे प्रतिजन और प्रतिपिंड के बीच का हमें विभेद बताना है, और एक प्रतिपिंड की जो संरचना है उसको हमें अच्छे से दिखाना है, चित्रात्मक प्रदर्शन करना है। नीचे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डज आर्के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, यानी कि जो आर्के बैक्टीरिया है वो यू बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट है ये बताना है, और उसके तीन टाइप बताने हैं विद द उसके लोकेशन के साथ कहाँ कहाँ वो मिलते हैं, ठीक है। वही सेम हिंदी में भी आपसे पूछा गया है, हाइड्रोपोनिक्स और बताना है क्या होता है, चार नंबर में है ये, और इसके दो सिग्निफिकेंस बताने हैं इसकी प्रोसेस के। नीचे क्वेश्चन है, इसके साइंटिफिक नेम बताने हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट के साइंटिफिक नेम बताने हैं, कोई भी एक आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन 26वां, यहाँ पर आपको नीट डायग्राम बनाना है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का, चार नंबर में ये क्वेश्चन है, और नीचे आपसे पूछा जाता है इसमें कि हु प्रपोज दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के बारे में बहुत बार आ जाता है डीएनए के जो स्ट्रक्चर हैं उसके बारे में, तो आप इसको ज़रा ध्यान से जो है करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको चार फंक्शन बताने हैं प्रोटीन के, हमारी डाइट में क्या क्या फंक्शन है, छः नंबर में ये क्वेश्चन है यहाँ पर, और एक्सपेंड द एब्रीविएशन PEM, PEM का मतलब क्या है ये बताना है, PEM से क्या क्या डिसीजेज हो सकती हैं ये बताना है। नीचे आपसे पूछा गया है, हाइपर विटामिनोसिस से आप क्या समझते हैं, और दो विटामिन और उसके इफ़ेक्ट बताने हैं, अगर हम उनको डेली लेते हैं तो हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 28वां है, जनरलाइज्ड बैलेंस इक्वेशन दिखानी है आपको फोटोसिंथेसिस की, छः नंबर में ये क्वेश्चन है, इन एब्रीवेशन को हमें एक्सपैंड करके दिखाना है, और नीचे आपको कंपनसेशन पॉइंट बताना है, क्या समझते हैं आप उससे, ठीक है। वैसे ही आपको नीचे फिर मैं आपको दिखा देती हूँ, अगला क्वेश्चन आपका 29th क्वेश्चन, छः नंबर में है, आपको ब्रीफली बताना है दो कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स बताने हैं जो हमें सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमंस बर्ड्स एंड इन हनी बीज, इनमें हम कैसे लिंग निर्धारण कर सकते हैं, दो विशिष्ट लक्षण हमें बताने हैं, फीचर्स बताने हैं। लास्ट और नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, ये आपका ए और बी दो पार्ट में आता है, यहाँ पर आपको नीट और लेबल, देखिए आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा लेबल डायग्राम आपके आए गए हैं, और बहुत ही ज़्यादा मार्क्स में आपके आते हैं, आपसे कई बार दो नंबर में पूछा गया है, चार नंबर में आपसे डायग्राम पूछे गए हैं, छः नंबर में भी आपका डायग्राम आया हुआ है, तो डायग्राम से आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ह्यूमन ईयर का डायग्राम यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इंटरनल स्ट्रक्चर बताना है ह्यूमन ईयर का, इसके साथ साथ इसके मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग का जो मैकेनिज्म है, यानी सुनने की कार्यविधि की हमें संक्षेप में व्याख्या करनी है। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो हो जाता है कंप्लीट, आई होप आपको समझ में आ गया हो किस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, क्या पैटर्न रहने वाला है, और इसके साथ साथ मैंने जो आपको समझाया
बताया है, जो आपको टिप्स बताई हैं उनको आप ज़रूर फॉलो करिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने सभी बायोलॉजी के जितने भी आपके साथी हैं उन सभी के साथ, और वीडियो को शेयर करने के बाद इसके नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है, या फिर अगर आप कोई और वीडियो भी चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।